रीवा आरटीओ पर गंभीर आरोप, रवि दुबे की मौत। मृतक आरटीओ ऑफिस में ब्रोकर का काम करता था। इंदिरा नगर में रहने वाले रवि दुबे उर्फ शास्त्री की सोमवार को देर रात अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है, रवि पिछले कुछ दिनों से लगातार परेशान थे, वह आरटीओ ऑफिस में काम करते थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव के पहले आरटीओ ऑफिस में कोई चोरी भी हुई थी। उस चोरी में कई बड़ी गाड़ियों के बही खाते की जानकारी थी। कहा जा रहा था इस मामले में रवि को फंसा दिया जाएगा। रवि इसी बात से लेकर परेशान थे, वह बड़ी गाड़ियों के काम ही नहीं किया करते थे। बीते सोमवार की रात रवि अपने घर में था, वह किस तरीके से घायल हुआ या जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सच तो यह है रवि की मौत हो गई। मौत क्यों हुई, किस वजह से हुई, यह तो पोस्टमार्टम और पुलिस की जांच के बाद ही तय होगा, लेकिन परिजनों का आरटीओ विभाग पर उंगली उठाना कई संदेहों को जन्म देता है। आइए आपको सुनाते हैं रवि के परिजन क्या कह रहे हैं। उर्फ शास्त्री ये इंदिरा नगर में उनका मकान है, रहते थे, आरटीओ ऑफिस में काम करते थे, प्राइवेट अपना वहीं पर बैठ के। वहाँ मनीष तिवारी कोई आरटीओ है त्रिपाठी, उनके द्वारा इनको 15-20 दिन से परेशान किया जा रहा था। हमको, हम सीधी में रहते हैं, हमको 2-3 बार फ़ोन करके उन्होंने बताया कि हमको परेशान किए हैं, हमारा काम धाम नहीं करते हैं, सब रोक दिए हैं और कहते हैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कराएंगे इस तरह से। और कल उनको सतना बुलाए थे, वहाँ भी गए, बोले कि तुम ज़्यादा ज़्यादा बिल करते हो, पैसा नहीं देते हो, जितना हमको दे उतना पैसा दोगे तब काम होगा, नहीं तुमको तुम्हारी ऐसी तैसी करा देंगे, तुमको यहाँ से उठवा देंगे। और इसी में वो शाम के आए 6 बजे, काफ़ी टेंशन में थे। घर वाले बोले कि भाई, हम भी उनको समझाए थे कि भाई होगा काम मत करो, नहीं करने देते हैं। उन्होंने हो गए टेंशन में, रात में रहे, माता उनकी पकड़े थी, बैठाए थी, तो वो लोग सो गए। तो उसके बाद वो उठे अचानक और आए, कहीं फिसल गए टेंशन के कारण, और अपना सभी को यही बताया कि हमको परेशान करो, बंद करा दे, मंगवा देगा, ये तो यहाँ क्या होगा। क्या घटना है ये? 2 बजे की रात की, 1.5-2 बजे के बीच। धीरे कहाँ बैठे? वहीं घर के सामने नीचे की, सब लोग सो गए, पकड़े थे महतारी के साथ सोए थे, वो टेंशन में थे, तो साथ में कि भाई टेंशन ना लो समझा रहे थे। उसके बाद वो जब नींद लग गई थोड़ा सा, तो उसके आए नीचे, वहीं से सीधे गए।